नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 5 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच रहे हैं, जिसके बाद लगातार तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी के पदाधिकारी सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मंत्री धन सिंह रावत तैयारियों का जायजा लेने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां इनके आगमन पर केदारनाथ धाम में मौजूद विरोध का सामना इन्हें करना पड़ा। नाराज तीर्थ पुरोहितों ने त्रिवेंद्र रावत वापस जाओ के नारे लगाए। सोमवार सुबह करीब 10 बजे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए पहुंचे। हेलीपैड पर उतरते ही तीर्थ पुरोहितों द्वारा उनका विरोध करना शुरू कर दिया गया। बता दें कि पूर्व सीएम के कार्यकाल में गठित देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा तीर्थ पुरोहितों को उकसाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि तीर्थ पुरोहित पिछले कई दिनों से देवस्थानम बोर्ड से नाराज चल रहे हैं। पांडा पुरोहितों की नाराजगी जायज है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस घटिया राजनीति करेगी, ये तो हमें मालूम था, लेकिन चुनाव में इतना निचले स्तर पर आएगी कि पंडा पुरोहितों के कंधों पर बंदूक रख के वो अपने वोट बैंक की राजनीति को साधने का काम करेगी और इस तरह से विरोध करने का काम करेगी, मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। जो निर्णय हो रहे हैं वो प्रदेश हित में है, पंडा समाज के हित में है, पुरोहित समाज के हित में है, और उसके ऊपर पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक कमेटी बना दी गई है, जो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, और मुझे लगता है जो प्रदेश हित में होगा वो निर्णय सरकार लेगी। लेकिन इस तरह का विरोध करके कांग्रेस कहीं ना कहीं जो घटिया राजनीति कर रही है, मुझे लगता है इसे जवाब देने का वक्त आ गया। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी सरकार पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। हम कमजोर नहीं है, जो प्रदेश हित में मजबूत निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी माननीय मुख्यमंत्री जी उस तरह के निर्णय लेंगे। अगर कोई सोचे कि दबाव में हमारे निर्णयों को बदलवाया जा सकता है या गलत निर्णय लेने पर कोई प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी ना हमारी सरकारें कहीं प्रेशर में आएंगी। जो फैसला लेना होगा, जो प्रदेश हित में होगा, जो पंडा समाज के हित में होगा, उस तरह का निर्णय लिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा देवस्थानम बोर्ड को लेकर के हमारे पांडा पुरोहित थक हकूकधारी पिछले कई महीनों से संघर्षरत हैं, चाहे वो जलती हुई धूप हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो बर्फ हो, वो संघर्ष करने का काम कर रहे थे, वो भी अर्ध नग्न अवस्था में। और इतने मजबूर हो जाते हैं वो जब प्रदेश की सत्ता में बैठी हुई गूंगी बहरी जो सरकार है वो उनकी बात नहीं सुनती कि उनको प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखना पड़ता है और प्रधानमंत्री जी भी उनके पत्र का रिप्लाई नहीं देते। तो बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जिस तरीके से वहां विरोध झेला है, आने वाले समय में आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी वहां जा रहे हैं, वो भी वैसा ही विरोध झेलेंगे। देवस्थानम बोर्ड के लिए भाजपा सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। भाजपा सरकार कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहित विरोधी सरकार है, जो उनकी आवाज को नहीं सुन रही है। मदन कौशिक जी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी जब केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं तो उनका कड़ा विरोध किया जाता है। उनको तीर्थ पुरोहित ये बताना चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दीजिए, पर भाजपा सरकार जागने का काम नहीं कर रही है। जबकि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी जब अभी केदारनाथ गए तो उनको तो दर्शन भी तीर्थ पुरोहितों द्वारा नहीं करने दिया गया, क्योंकि भाजपा सरकार उनके हितों का ध्यान नहीं रख रही है। उनके लिए जो अहित फैसला है वो लेने को तैयार खड़ी हुई है। तो आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि भाजपा सरकार को जल्द से जल्द ये तीर्थ विरोधी जो कृत्य है देवस्थानम बोर्ड, इसको जल्द से जल्द भंग करना चाहिए और तीर्थ पुरोहितों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। जय बाबा केदारनाथ। आज यहाँ पे केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पे हेलीपैड पे आए,
उससे आगे पुलिया पे आने के बाद केदार सभा के सभी सदस्यगण एवं तीर्थ पुरोहितों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का घोर विरोध किया और केदारनाथ दर्शन करने नहीं दिया। मैं बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सद्बुद्धि दें और देवस्थान बोर्ड भंग करें। जय केदार। आखिरकार चारों धामों में तीर्थ पुरोहितों का वो सब्र खत्म हो गया है जो सब्र धामी जी ने 11 सितंबर की मीटिंग में कहा था, और अब जाके चारों धामों में तीर्थ पुरोहितों ने उग्र आंदोलन चालू कर दिया है। इसी के हर्ष में आज जो है त्रिवेंद्र जी को धक्का दे के केदारनाथ से बाहर किया, और यहाँ पे धन सिंह जी से भी और प्रदेश के अध्यक्ष जी से भी हमारी जो है धक्का मुक्की करके उनको भी जो है यहाँ से बाहर कर दिया गया है। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीन मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आरपी रतूड़ी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। इनके अलावा अमरेंद्र बिष्ट जी आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिपिन कैंतोला जी जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आरपी रतूड़ी साहब, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रही नाराजगी अभी भी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पहुंचे, केदारनाथ आने वाले हैं प्रधानमंत्री, तो उनके दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज वो वहां गए, तो भारी विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे जी, बल्कि ये नहीं कह रहे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अरे आपको जनमानस की चिंता है नहीं, उन पंडा पुरोहितों की चिंता नहीं है। कितने दिनों से वो धरना प्रदर्शन है, और जब जनता उत्तराखंड की नहीं चाहती तो आप जबरदस्ती थोप रहे। जिस तरह किसान बिल है उसी तरह ये बिल भी है, आप क्यों उसे अड़ी गए? आप उसे निश्चित तौर पर उसे तत्काल उसे करने, आप एक कमेटी बनाओ वो कमेटी बनाओ। अरे जो जनता चाहती है, आप जनता द्वारा निर्वाचित हैं, आप कोई हिटलर हैं क्या? लोकतंत्र में आपकी आस्था नहीं है क्या? आप लोकतांत्रिक पार्टी के अगर अपने आप को महसूस करते हैं तो आपको जो जनता चाहती है उसको करना चाहिए। वहां के लोग कह रहे हैं ये हमारे ये लाभदायक नहीं है, आप इसे भंग करें। और कांग्रेस ने तो अपने कह दिया है कि हमारी सरकार बनेगी हम इसको बंद करेंगे। अभी सर त्रिवेंद्र सिंह रावत इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको बहुत नाराजगी झेलनी पड़ी थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ा। पुष्कर सिंह धामी ने दिया था आश्वासन, लेकिन उस आश्वासन का भी कोई असर नजर नहीं आ रहा है सर। इस सरकार को आईना नहीं दिख रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के कामों को जब जनता ने आज सड़कों पर आकर के, और कितना बड़ा इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को लोगों ने केदार बाबा के दर्शन नहीं करने दिए। इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अपने आप को कहते हैं कि हम केदारनाथ को संवार रहे हैं, सुधार रहे हैं, अरे जो जितना भी काम हुआ था वो कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था। यूपीए सरकार ने 7,200 रुपए केदारनाथ आपदा से निपटने के लिए पुनर्निर्माण के लिए दिया था। आदरणीय मोदी साहब बताए जरा, आपने उसमें एक चमुनी भी दी हो तो? वो केवल उसी से जो माने मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री जी ने जो वहां केदारनाथ को संवारने के लिए पुनर्निर्माण के लिए पुनर्वास के लिए दिया था उसी पर ये कूद रहे, इनका अपने क्या है? चलिए विपिन जी, आवाज ये तो संस्कृति के साथ पूरा खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो नजर आ ही रहा है। अच्छा मैं एक चीज और, मैं जाऊंगी विपिन जी, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। रतूड़ी साहब, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है उत्तराखंड चुनावों में देवस्थानम बोर्ड का, और आपकी पार्टी इस मुद्दे को कितना जोर शोर से उठाएगी ये भी बड़ा सवाल है। नहीं निश्चित तौर पर क्यों नहीं बनेगा, आप देखिए ना लोगों के हक हकूक पर आप चोट कर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा होगा। आप चमोली है, आप रुद्रप्रयाग है, आप उधर के इलाके गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ये उत्तरकाशी का संपूर्ण जो इलाका है ये इनसे सीधा जुड़ा हुआ है लोगों का। और ये मैं कह रहा हूँ ये आध्यात्मिक तौर पर भी है,
कि जो आपका पुजारी जो आज तक मंदिर की देखभाल करते थे, पूजा करते थे, आप उनकी आस्थाओं पर चाहे तो अपने ये अधिकारियों की बल बिठा रहे भाई। आनंद आ रहा है, क्या लेना देना है ये उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आस्था का सवाल है और आस्था तो मन से होती है। आपने आपके थोपने से नहीं बनेगी, आप थोपेंगे तो निश्चित तौर पर आपका विरोध होगा। तो मैंने कहा कि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री को भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ के दर्शन नहीं करने दिए, कि आज तक कभी नहीं हुआ। अमेंद्र बिष्ट जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज। देखिए, कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एक बात तो साफ तौर पर है कि वो देवस्थानम बोर्ड को जो है भंग कर देंगे, खारिज करते हैं। क्या आम आदमी पार्टी का इसको लेकर कोई स्टैंड है, देवस्थानम बोर्ड को लेकर क्या आपके मैनिफेस्टो में कुछ शामिल किया जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक विषय है देवस्थानम बोर्ड को लेकर के पहले ही अपनी मंशा और अपनी जो राय है वो स्पष्ट कर चुकी है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये वहां के केदारनाथ के लोगों की धार्मिक जो वहां की आस्था का विषय है और निश्चित तौर पर इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में, जिस तरह से वहां के ये देवस्थानम बोर्ड को लागू किया गया, निश्चित तौर पर ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। तो ये देवस्थानम बोर्ड पर वहां के जो हकूकधारी है, वहां के जो पंडा पुरोहित है और वहां का जो स्थानीय समाज है, निश्चित तौर पर उनका अधिकार होना चाहिए। कल जो त्रिवेंद्र रावत जी के साथ वहां पर हुआ, वो जब जब सरकारें जन भावनाओं के खिलाफ निर्णय लेगी, जब जब सरकारें जन भावनाओं को दरकिनार करेगी और अपनी अपनी मोनोपोली चलाएगी, तो निश्चित तौर पर तब तक इस तरह का व्यवहार जनता का सामने आएगा और आना भी चाहिए। आम आदमी पार्टी के लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस विषय पर वहां के हक हकूकधारियों के साथ पूरी तरह से खड़ी है और आने वाले वक्त में, कल भी हमारी पार्टी ने तय कर दिया है कि इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। कल उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक न्याय पंचायत के स्तर पर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और जिस तरह से वहां पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लागू करने की राज्य सरकार से मांग करेगी। अच्छा, पीएम मोदी आ रहे हैं 5 नवंबर को केदारनाथ और बताया जा रहा है कि 200 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं वो। पीएम मोदी केदारनाथ में 150 करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, काम आएगा ये? देखिए, पहले तो हमको ये समझना होगा कि पिछले 5 वर्षों में चौथी बार मोदी साहब कल प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आ रहे हैं और अब नई उम्मीदों से पहले हमको ये सोचना चाहिए कि पिछले 4 वर्षों में उनके द्वारा कितना काम केदारनाथ को लेकर के किया गया है। उनके ये जो केदारनाथ का दौरा होता है, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक दौरा होता है, वो देश में केदारनाथ से एक राजनीतिक मैसेज, धार्मिक मैसेज देने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा उन्होंने ना अब तक वहां पर कुछ किया है ना वो आगे करने वाले हैं। जैसा अभी रतूड़ी जी ने कहा कि पिछली सरकार ने कुछ काम वहां पर किया है, लेकिन केदारनाथ को लेकर के जो शुरुआती दौर में जब वहां पर आपदा आई थी, उसके बाद जो छिटपुट कार्य हुए, जो केदारनाथ को खड़ा करने का काम हुआ, वहां के पुनर्निर्माण का काम आदरणीय मां भारती के पुत्र कर्नल कोठियाल जी ने किया, उसके अलावा वहां कोई काम ही नहीं हुआ है। ये दोनों ही सरकारें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों की कोई मंशा ही वहां काम करने की नहीं है। वो तो कर्नल कोठियाल जी मजबूत आदमी थे, इसलिए वहां कुछ कर पाए। ठीक है, आरपी रतूड़ी जी, मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाहती हूँ कि पुरोहितों की नाराजगी के पीछे वजह क्या मानी जाए? अगर सरकार दावा कर रही है कि देवस्थानम बोर्ड सुविधाएं बेहतर करने के लिए बनाया गया है, तो तीर्थ पुरोहितों को आशंका क्या है? उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि चारों धामों की पूजा विधि और पारंपरिक चीजों पर इसका असर पड़ सकता है? पहले उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। निश्चित तौर पर उनको, जो मैंने कहा नहीं कि उनके हकों पर आपने कुठाराघात किया, आपने अधिकारियों की फौज कर दी ना। अब जो वहां पर उनका रोजगार भी था, उनकी आस्था भी थी, उस पर आपने अधिकारी बिठा दिए, अपने कर्मचारी बिठा दिए। निश्चित तौर पर
एक तो सीधा सीधा हिंदू आस्था पर आपने चोट की है, और दूसरा मैं आपके कहना चाहता हूं कि केदारनाथ का जितना भी विकास हुआ है माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में हुआ है। जरा बताएं कि नरेंद्र मोदी जी ने, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूं कि ये और आम आदमी पार्टी के हमारे बहुत ही सम्मानित कोठियाल जी ने, अगर उनको संसाधन सरकार उपलब्ध न कराती क्या संभव था? ये माने हरीश रावत जी ने उनको संसाधन दिए और उस संसाधन का उपयोग करके उन्होंने उसमें मदद की है, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। पर जितना भी विकास हुआ है वो माने हरीश रावत जी के कार्यकाल का है, उसके बाद कोई विकास केदारनाथ में नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप गुजरात में आपदा आती है तो आप आपदा के समय पर जाते हैं, पर उत्तराखंड की आपदा आपको नहीं दिखती है, केवल आपको धार्मिक पर्यटन दिखता है। यहाँ इतने लोगों की जान गई है, जिसे पिछले महीने में आपने कोशिश की है कि एक बार उत्तराखंड में जाओ। बयान आया है सर, अभी धार्मिक पर्यटन कैसे हुआ? वो आ रहे हैं 200 करोड़ रुपए की योजनाओं की वो सौगात देंगे, बद्रीनाथ को अकेले 150 करोड़ के 50 करोड़ के जो है पुनर्निर्माण कार्यों की सौगात देने वाले हैं। नहीं दिखती है, केवल धार्मिक पर्यटन ही क्यों दिखता है? उन्होंने देखा होगा पिछले एक महीने में कितने लोगों की जान गई है आपदा में, तो क्यों नहीं आए? अमित शाह आए तो थे, अमित शाह आए तो थे सर, अमित शाह आए तो थे, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह आए तो थे, उनके दौरे का भी विरोध किया गया, उनके दौरे पर भी सवाल उठाए गए। नहीं, क्यों? प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ मैं तो जी, पर्यटन करके चले गए, क्या किया उन्होंने, क्या दिया उत्तराखंड को? कोई पुनर्वास के लिए दिया कि ये गांव को हम पुनर्वास करेंगे, ये हम योजना दे रहे इतने हजार करोड़ की? जरा बताएं, आकर के अपनी सरकार की पीठ थपथपा गई। अरे आपने पीठ थपथपानी थी तो 4.5 साल के मुख्यमंत्री को क्यों बदला? फिर 3 महीने बाद मुख्यमंत्री को क्यों बदला? आपने मोहर लगाई अयोग्य मुख्यमंत्रियों पर, आपकी नीति पर और नियत पर आपने मोहर लगाई कि ये ठीक नहीं है। विपिन जी आवाज मिल रही है आपको? विपिन कैथोला जी आवाज मिल रही है आपको सर? विपिन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमेंद्र जी, बड़ा सवाल रतूड़ी साहब ने ये उठा दिया है कि आपको संसाधन तो हरीश रावत ने मुहैया कराए थे, नहीं तो कोठियाल जी अकेले क्या कर लेते, पूछ रहे हैं रतूड़ी साहब ये। देखिए, संसाधन न तो हरीश रावत जी के होते हैं ना त्रिवेंद्र रावत जी के, सरकार के होते हैं, और सरकार जनता तो इस पर छाती फुलाने की आवश्यकता नहीं रतूड़ी जी को और भाजपा के लोगों को कि उन्होंने संसाधन उपलब्ध कराए। जनता का पैसा है, जनता का पैसा जनता के लिए खर्च होना है, तो निश्चित तौर पर इतने समय से भी पार्टी का पैसा खर्च करती है, लेकिन जिस तरह से कल सूझबूझ के साथ, बेहद मेहनत के साथ, और जैसा रतूड़ी जी ने भी कहा कि कर्नल कोठियाल जी को संसाधन उपलब्ध कराए कांग्रेस की सरकार ने, और उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, उन्होंने खुद आपके चैनल पर अभी कर्नल कोठियाल जी की के काम की सराहना की है, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका कि उन्होंने कर्नल साहब के काम को अप्रिशिएट किया है, और न केवल उन्होंने अप्रिशिएट किया बल्कि पूरा भारत और पूरा विश्व, जिन्होंने भी केदारनाथ का काम को देखा है वो कर्नल कोठियाल जी के ईमानदारी से जो उन्होंने काम किया है उसकी सराहना कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, काम करने के लिए बजट देना वो सरकार का काम है, वो जनता का पैसा है, उसमें यदि कोई ये कहे कि वो फलाने व्यक्ति को द्वारा दिया गया पैसा है तो उस पर हमारी आपत्ति है। दूसरी बात केदारनाथ को लेकर के जो बात हम कह रहे हैं कि मोदी जी का दौरा है, मोदी जी आकर के क्या सौगात देंगे, उसको उस पर तो चर्चा बाद में होगी कि वो जब आएंगे तब तो क्या दे करके जाएंगे, लेकिन पुराना रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो अभी तक वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 वर्ष की सरकार के दौरान कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके लिए उनकी पीठ थपथपाई जा सके। और दूसरा
उलट नहीं। देखिए ये अगर आप ये बात बोल भी रहे हैं अमेंद्र जी, मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो इस समय साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन उसका फायदा आम आदमी पार्टी को हो जाएगा, ये कैसे संभव है? क्योंकि उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसे में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कर्नल अजय कोठियाल कोई जादू की छड़ी लेकर आए हैं और किसी पर भी जादू कर देंगे? सालों में उत्तराखंड में जो दो सगे भाइयों की जो ये अदला बदली की सरकारें चलती रही है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी में, उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से त्रस्त और पूरी तरह से परेशान है इन दोनों दलों से। और यहाँ कर्नल कोठियाल जी जैसा ईमानदार नेतृत्व, अरविंद केजरीवाल जी जैसा नेतृत्व उत्तराखंड की जनता से मिलने जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि उत्तराखंड में कल त्रिवेंद्र रावत जी हो या झबरेड़ा के विधायक हो या धन सिंह रावत जी हो, उत्तराखंड सरकार के बहुत सारे मंत्रियों विधायकों को जनता खदेड़ने का काम कर रही है, इस कदर नाराजगी लोगों में है। तो ये नाराजगी कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों को लेकर के है, तो उनके उनके लिए आम आदमी पार्टी प्रथम विकल्प के रूप में, पहले विकल्प के रूप में सामने आई है और बहुत ईमानदार नेतृत्व सामने है। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेंगे। और संवाद कार्यक्रम किया कोठियाल साहब ने, युवा संवाद कार्यक्रम के तहत वो नजर आए, लेकिन अभी कहाँ है वो? अभी तो वो नजर ही नहीं आ रहे हैं और आपदा के समय भी वो नहीं दिखाई दिए। अकेले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे चुनाव जिता देंगे? नहीं, मैं आपकी आवाज को सुन नहीं पाया, एक बार सवाल रिपीट कीजिए। अमेंद्र जी, मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने युवा संवाद कार्यक्रम चलाया उत्तराखंड में, उस समय नजर आए अजय कोठियाल, जगह जगह नजर आए, लेकिन उसके बाद से कहाँ गायब हो गए और आपदा के समय तो वो बिल्कुल भी नजर नहीं आए। तो अकेले कार्यकर्ताओं के दम पर आप कैसे चुनाव जिता देंगे? जिसे आपने सीएम का चेहरा बनाया है वो सामने तो आए, वो बात तो करे, वो आपदा के समय प्रभावितों को राहत तो पहुंचाए। देखिए मैडम, पहली बात तो ये है कि कर्नल कोठियाल जी युवा संवाद कार्यक्रम के बाद और आजकल युवाओं के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम को लेकर के प्रदेश की तकरीबन 25 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। आज भी हरिद्वार जिले की विधानसभाओं में उनका दौरा है और लगातार जनता के बीच में वो संवाद का काम कर रहे हैं। मुझे हैरानी हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो पिछले एक सप्ताह से हरिद्वार में कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार वहां पर जो है हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। अब आपने दूसरा सवाल किया कि आपदा को लेकर के, तभी तो मैं सवाल कर रही हूँ अमेंद्र जी, ये हजारों की संख्या की भीड़ हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहाँ हो रही है ये भीड़ और कितनी बार आप तीर्थ पुरोहितों से बातचीत करने के लिए या उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गए हैं, ये भी जानकारी दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि वो जगह जगह जाकर दौरा कर रहे हैं, तो वो कहाँ दौरा कर रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं, किसकी मदद की गई, किसको राहत पहुंचाई गई, कुछ तो आंकड़ा होगा आपके पास? हाँ, मैं दे रहा हूँ ना, आप बोलने दीजिए, आप बीच में रोकिएगा मत। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात, इन दिनों रोजगार गारंटी का कार्य जो काम है पार्टी का, वो उत्तराखंड में चल रहा है और तकरीबन लाखों की संख्या में उसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पहली बात, कर्नल कोठियाल जी और हमारी सारी टीम उस काम पर लगी है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के हमारी पार्टी क्या कर रही है, मैं पहले ही आपकी चर्चा में बता चुका हूँ कि कल प्रदेश की 70 विधानसभाओं में इस बात को लेकर के धरने और प्रदर्शन का कार्यक्रम है। इससे पहले भी जब जब देवस्थानम बोर्ड पर कई बार आम आदमी पार्टी के लोग आंदोलन करते रहे हैं। आपने कहा कि आपदा को लेकर के कर्नल कोठियाल जी ने क्या किया, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जो यहीं पर रानी पोखरी के पास एक पुल टूटने का एक प्रकरण आया था, वहाँ पर कांग्रेस के लीडर भी गए थे और बीजेपी के लीडर्स भी गए थे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, लेकिन कर्नल कोठियाल साहब वहाँ पर गए और उन्होंने सरकार को कहा, पत्र लिख करके कहा,
और मीडिया के माध्यम से भी कहा कि आप मुझे 48 घंटे का मौका दीजिए, समय दीजिए और मैं इस पुल को बना करके दिखा दूंगा। तो पहली बार उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसा राजनेता आया है जो ये कह रहा है कि वहाँ जाने भर से काम नहीं चलेगा, मैं इस काम को करके दिखाऊंगा, आप मुझे अवसर दीजिए। आज तक कभी आपने सुना कि इस तरह से कोई राजनेता किसी जगह का निरीक्षण करने गया और इस तरीके की कोई पहल की हो? दूसरी बात, वहाँ पर तो जो अभी हल्द्वानी और उस क्षेत्र में रामनगर वाले क्षेत्र में जो आपदा आई, क्या वहाँ पर हमारी पार्टी के लोग, हमारे कार्यकर्ता स्वयं सेवक के रूप पर वहाँ पर खड़े दिखाई दिए? लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब हरिद्वार जिले में और कुमाऊं के पूरे क्षेत्रों में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां आदरणीय कर्नल कोठियाल साहब की एक दिन में दो दो रैलियां हो रही है, जब आपकी नजर वहां नहीं है, तो देखिए, मुझे लगता है, मेरा आपसे अनुरोध है कि हम लोग अभी नई पार्टी है, संघर्ष कर रहे हैं, उत्तराखंड में जनता का हमको बड़ा सहयोग मिल रहा है, तो आप लोगों को भी सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो ये निकम्मी सरकारें पिछले 20 सालों से रही है, इनको उखाड़ने में आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए। तो जनता की मदद करेंगे सर? जनता क्या चाहती है, हमें किसी राजनीतिक दल की मदद करने का कोई यहाँ पर ना तो अवसर चाहिए, ना इसमें हमें किसी तरह की कोई खुशी मिलेगी। जनता क्या चाहती है, जनता की क्या डिमांड है, जनता किसे पसंद करती है, वो हम दिखाना चाहेंगे और उनकी हम मदद करना चाहेंगे। आरपी रतूड़ी साहब, ये दावा कर रहे हैं अमेंद्र जी कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूरी तरह से सक्रिय है, आपदा के समय में जितनी मदद आपने नहीं की, बीजेपी ने नहीं की, उससे ज्यादा तो कर्नल अजय कोठियाल ने की है। आरपी रतूड़ी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। सर, मैं दोबारा से अपना सवाल दोहरा देती हूँ। अमेंद्र जी ने ये दावा किया है कि इस समय आम आदमी पार्टी सूबे में सबसे ज्यादा सक्रिय है, संघर्ष वो भले ही कर रहे हैं और हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए ताकि एक नई पार्टी जो है उभर सके, और एक बड़ा दावा उन्होंने ये किया कि आपदा के समय में ना तो कांग्रेस ने इतनी मदद की है लोगों की, ना ही बीजेपी ने की है, सबसे ज्यादा कर्नल अजय कोठियाल ही मदद करते हुए नजर आए हैं प्रभावितों की। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहले ये कहें कि दिल्ली में जो जनसंख्या अनुपात में सबसे अधिक मौत क्यों हुई, सबसे अधिक कोरोना काल में ऑक्सीजन के और अस्पतालों की मारामारी दिल्ली में थी, किसी थी, सबसे अधिक अगर आज बेरोजगारी का दर है तो वो दिल्ली का है, वहां सुधार क्यों नहीं हुआ? आपने लोकपाल के नाम पर आप सरकार में आए थे तो आपने 100 दिन में लोकपाल लाना था, तो आप क्यों नहीं लाए? आप पहले जरा दिखाते कि दिल्ली का ये हमने बहुत बेहतर किया तो हम उत्तराखंड में भी करेंगे। अरे पहले भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए, दिल्ली को और उत्तराखंड को एक ही तराजू में तोड़ना, ये इनकी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी सक्रिय है, जनता को उनका बहुत विश्वास और प्यार मिल रहा है, उनका तो ये विश्वास है ना सर? ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में विधानसभा का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय हो जाएगा? माफी चाहूंगी अविंद्र जी, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मैं आरपी रतूड़ी जी को भी बीच में रोक रही हूँ। दोनों ही मेहमानों को शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि इस समय उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर काफी नाराजगी चल रही है, एक बार फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत को तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। अब आने वाले विधानसभा चुनावों में ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा और क्या ये मुद्दा बीजेपी को शिकस्त दिलाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।